नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मैं ओलंपिक संबंधित सभी क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, चाहे वो हिस्ट्री से बेस हो, चाहे वो उनके इम्पॉर्टेंट डेज हो, चाहे वो इंडियन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है अभी तक ओलंपिक में, वो सभी कुछ लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड ओलंपिक्स ओरिजिनेट्स, मतलब ओलंपिक कहां से स्टार्ट हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक से ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि ग्रीक के एक भगवान थे, सबसे बड़े भगवान थे जियोस। जियोस को रिस्पेक्ट ऑनर देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ये जो एनिसेंट ओलंपिक है वो 776 से स्टार्ट किया गया था ग्रीक में। और अगर मॉडर्न ओलंपिक आपसे पूछ लिया जाए तो पहला मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ था, वो भी ग्रीक में स्टार्ट हुआ था। ग्रीक की कैपिटल है एथेंस में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। आंसर हो जाएगा बारेन पियरे डे कॉबर्टिन। इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया था। इन्होंने जो पहली कमेटी थी उसमें अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, और पहली जो कमेटी की बैठक थी वो हुई थी 1894 में। वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, बताया कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं ओलंपिक को स्टार्ट करने का। और उसके बाद बहुत सारे लोग इनसे माने और बहुत सारे लोग नहीं माने, लेकिन बाद तक सबको इन्होंने मना लिया। और पहला मॉडर्न गेम जो ओलंपिक का था वो 1896 को ऑर्गेनाइज किया गया था एथेंस में, मतलब ग्रीक की जो कैपिटल है एथेंस में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर है यहाँ पर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द ऑफिशियल मोटो फॉर द ओलंपिक। तो आंसर हो जाएगा तीनों हैं, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये तीनों ही इसके मोटो है। लेकिन इस साल एक चौथा भी जोड़ा गया है जो कि मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इनका मतलब क्या होता? मतलब है फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर। लेकिन इस बार एक नया वर्ड और जोड़ा है, टुगेदर। क्योंकि आपको मालूम होगा कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पैदा हो गया है लोगों के बीच में, तो इसलिए ये वर्ड जोड़ दिया गया है टुगेदर। फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, ये इनका इस बार का मोटो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट कलर आर नॉट ओलंपिक रिंग्स, मतलब कौन सा कलर ओलंपिक रिंग में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ब्लू है, ऑरेंज, येलो है, ब्लैक है, ऑरेंज ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये, मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, आप देख सकते हैं ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है और रेड। ये पांच कलर है रिंग के जो ओलंपिक का एक सिंबल है। आपको बताता हूँ क्या क्या रिप्रेजेंट कर, ये जो रिंग्स हैं ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ब्लू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट को, येल्लो रिप्रेजेंट करता है एशिया कॉन्टिनेंट को, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया, और रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका कॉन्टिनेंट को। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SSC वगैरह के तो फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड। आंसर हो जाएगा 1924 को पहला विंटर ओलंपिक मनाया, मतलब हेल्ड किया गया था। मैं आपको बता देता हूं कि देखो, उससे पहले आपको मालूम होगा समर ओलंपिक में विंटर वाले जो गेम है वो नहीं कराए जा सकते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक देश में वहाँ पर ठंड वाले जो विंटर वाले जो गेम है वो कराए जा सकते थे। तो विंटर जो गेम खेलते हैं, जो उनके प्लेयर्स थे, उन्होंने कहा था भाई ऐसा करो, हमारे लिए एक दूसरा ओलंपिक शुरू कर दो विंटर ओलंपिक के नाम से। तो फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मान ली बात, और 1924 को ये विंटर ओलंपिक स्टार्ट कर दिया गया। ये ऊपर एक डेट दे रखी है 1896, इसमें ओलंपिक पहला ओलंपिक खेला गया था। और ये यहाँ पर आपको 1960 दे रखा है, इम्पॉर्टेंट डेट ये भी है, क्योंकि इसी ईयर से पैरा ओलंपिक स्टार्ट किया गया था। मतलब इसी ईयर में डिसाइड किया गया था कि पैरा ओलंपिक भी एक कराया जाएगा, जो कि जो जिनके हाथ वगैरह कट, हाथ पैर जो या किसी भी अंग से ख़राब है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो तीसरी चीज़ है, ये
इंडियन ओलंपिक की बात हो रही है, मतलब इंडिया में जो ओलंपिक तैयार करने की कमेटी थी वो बनाई गई थी 1923 में। चलिए आगे बात करें तो पहला ओलंपिक मैं आपको बता दूं फ्रांस में हुआ था, चमोनिक्स उनकी एक जगह है वहाँ पर कराया गया था। यहाँ पर बात करें विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मोस्ट ओलंपिक गेम्स, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक को होस्ट किया है, अभी इनके पास रिकॉर्ड है। कब कब किया है तो 1904 में किया था, 1932 में किया था, 1984 में किया था और 1996 में समर ओलंपिक को इन्होंने होस्ट किया है, जो कि चार बार इन्होंने सबसे ज़्यादा बार होस्ट कर रखा है। सबसे ज़्यादा बार होस्ट करने वाली सिटी कौन सी है ये भी तो पूछी जा सकती है, तो तीन बार होस्ट करने वाली सिटी है लंदन, जिसने सबसे ज़्यादा बार अपने यहाँ पर होस्ट किया है। सिटी है लंदन और कंट्री है यूनाइटेड स्टेट। अगले क्वेश्चन की बात करें इन व्हाट ईयर डिड द ओलंपिक फ्लैग डेब्यूट, मतलब ओलंपिक फ्लैग का डेब्यू कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1924 को, जिस साल विंटर ओलंपिक स्टार्ट किया गया था उसी साल ओलंपिक फ्लैग का डेब्यू हुआ था, मतलब ओलंपिक फ्लैग बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच फोर ईयर हैव सीन द ओलंपिक कैंसल्ड, माफ कीजिएगा इसमें फोर ईयर हटा दीजिए, विच ईयर्स हैज सीन द ओलंपिक कैंसल्ड, तो आंसर हो जाएंगे आपके चार तीनों, इन तीनों में ओलंपिक कैंसिल किया गया था। कैसे कैंसिल हुआ था, पहले विश्व युद्ध की वजह से 1916 वाला कैंसिल हुआ और ये दोनों जो 1940 और 1944 वाले हैं ये दूसरे विश्व युद्ध की वजह से कैंसिल हुए, और जो ऑल है मतलब चौथा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप जानिए, तो 2020 वाला भी तो कैंसिल हुआ है, वो अलग बात है कि ये 2021 में हो रहा है लेकिन कैंसिल तो किया गया था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है, हो सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो मैं बात करता हूँ कि पहला जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, तो लंदन में 1908 में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी को हेल्ड किया गया था, और पहली क्लोजिंग सेरेमनी कब हुई थी तो 1924 में, जिस साल ओलंपिक स्टार्ट किया गया था उसी साल क्या हुआ था, पहली क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। यहाँ पर बात करें वुमेन का पार्टिसिपेशन पहले वाले जो ओलंपिक 1896 में जो पहला ओलंपिक हुआ था वहाँ नहीं था, लेकिन वुमेन का पार्टिसिपेशन 1900 वाला जो ओलंपिक था उसमें किया गया था, तो यही मैंने यहाँ पर लिख रखा पहली बार और वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, तो 1900 होगा। द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन, उनका नाम क्या है, तो पोटेल आप याद रखिएगा, ये पहली ओलंपिक चैंपियन है, ओलंपिक वुमेन चैंपियन मतलब फीमेल चैंपियन है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिचुएटेड, आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर लुसाने सिटी में इनका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बात करते हैं, मैंने सही से लिख भी रखा है और ये इसलिए भी आपको स्लाइड लगाई है, ऐसा ही कुछ मैं करंट अफेयर में अपनी पढ़ाता हूँ और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये सब आपको याद करने की जो ये है ना पूरी स्लाइड ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ मैं रेगुलर वे में आपको रिवाइज कराता रहता हूँ, तो आप उसे फॉलो करें, वहाँ पे करंट के साथ साथ उससे रिलेटेड मैं स्टैटिक भी लाता रहता हूँ, तो आपसे अनुरोध है उसको ज़रूर फॉलो करें। 2 से 3 महीने में आपको मैक्सिमम 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखना लग जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1894 को, हेडक्वार्टर इनका है लुसाने स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है इनके थॉमस बाच जो कि करंट प्रेसिडेंट है, और करंट प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक कमेटी के कौन है तो नरेंद्र बत्रा इनके इंडियन ओलंपिक कमेटी के करंट चेयरमैन है। मैं आपको बता दूं अब मैं इंडियन बेस स्टार्ट करूंगा, मतलब आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो इंडियन बेस होंगे, तो आप ज़रूर यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आगे वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक ई बुक है जो 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट देगी, बहुत ज़्यादा सस्ती है, 99 रुपये की है, आप इसे खरीद लें आपको बेनिफिट करेगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल. आंसर हो जाएगा कर्णम मलेश्वरी भारत की पहली वुमेन रही हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है ओलंपिक में. तो ओलंपिक में इन्होंने पहला मेडल जीता. चलिए कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल था. किस सन में जीता? 2000 के सिडनी समर ओलंपिक में इन्होंने ये मेडल जीता था. ऊपर आपको साक्षी मलिक दिख रही होंगी. तो साक्षी मलिक जो है ये भारत की पहली पहलवान है जिन्होंने की कोई मेडल जीता है ओलंपिक में. कब जीता था? 2016 में जो समर ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर इन्होंने पहला वुमेन का मेडल जीता है कुश्ती में. तो ये इनको भी ब्रॉन्ज मिला था. और गीता फोगाट के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए इनके बारे में बात नहीं करते. यहाँ पर बात करते हैं तो पहली इंडियन वुमेन है जो कर्णम मलेश्वरी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है सिडनी ओलंपिक में और 69 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेला करती थी. ठीक है. और 2000 सन में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पर बात कर लेते हैं मेल की. तो भारत के लिए पहला इंडिविजुअल जो मेडल था वो कौन लेकर आया था? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है. कन्फ्यूज़न इसलिए है, अगर आपको नॉर्मन पिटचार्ड का अगर नाम होगा तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये भारत में ही तो पैदा हुए थे लेकिन इनको भारत ब्रिटिश प्लेयर कहा जाता है क्योंकि इनके माँ बाप ब्रिटेन के रहने वाले थे. मतलब इनकी नागरिकता क्लियर नहीं है, जो डेटा में क्लियर नहीं है और हम मानते भी नहीं है. मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में आपको इनके बारे में ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको घुमा दिया जाए तो आपको याद रखना है नॉर्मन पिटचार्ड है जो कि इंडियन ब्रिटेन के प्लेयर थे जो कि ओलंपिक में भारत के लिए कहते हैं खेले थे. यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंडियन ब्रिटिश प्लेयर है जो कि 2 सिल्वर जीते थे 1900 में. यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है 2 मेडल जीत के आए थे. एक जीते थे वो 200 मीटर की जो रेस हुई थी और एक 200 मीटर की हर्डल रेस हुई थी. हर्डल में क्या होता है कि रुकावटें होती हैं और 200 मीटर नॉर्मल रेस में क्या होता है कि कोई रुकावट नहीं होती, ऐसे आपको पार करना होता है इनको, है ना. तो ये मेडल जीते थे. लेकिन मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ यहाँ पर, तो KD जाधव, ये असल में क्वेश्चंस आपको यही पूछा जाता है कि भारत के लिए पहले मेल ओलंपिक में मेल कौन थे जो कि मेडल जीत के लाए थे? तो वो थे KD जाधव. आपने भी यही सुना होगा. तो KD जाधव को ही क्वेश्चन में पूछा जाता है. लेकिन मान लो अगर KD जाधव नहीं है ऑप्शन में और आपके पास नॉर्मन पिटचार्ड है तो आप इनको लगाएंगे क्योंकि ये भी भारत से ही खेले थे लेकिन कुछ न्यूज़पेपर ने इनको इंडिया और ब्रिटिश का कहा था. इनके माँ बाप क्योंकि ब्रिटेन के थे और भारत में काम कर रहे थे इसलिए भारत में ही ये पैदा हो गए, तो भारत का इनको माना जाता है. लेकिन आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ. यहाँ पर बात करें 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर इंडिया की जो हॉकी की टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए पहला जीता था. ये टीम वाला है, आपको मैं बता दूँ टीम में भारतीय हॉकी टीम ने भारत के लिए गोल्ड लेकर आई थी. कब लेकर आई थी? 1928 में. ऐसा नहीं है 1928 में लेकर आई थी, भारत के लिए सबसे ज़्यादा गोल्ड ये हॉकी टीम ही लेकर आई है. मैं आपको यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाता हूँ. देखिए जो चार्ट है उसमें हॉकी का आप देख सकते हैं सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है. इन्होंने 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं. 8 गोल्ड का मतलब स्टार्टिंग के जो 1928 के बाद हुए हैं ना उन सब में सिर्फ भारतीय टीम ही है जो कि गोल्ड लेते आ रही थी. और भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड कौन लेके आए थे? शूटिंग में थे. कौन थे? अभिनव बिंद्रा. चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें. हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक? तो आंसर है उनका अभिनव बिंद्रा. मैंने आपको बता ही दिया पिछली स्लाइड में. तो अभिनव बिंद्रा है जो भारत के लिए एक इंडिविजुअल गोल्ड पाने वाले प्लेयर हैं जो कि शूटिंग के प्लेयर हैं और 10 मीटर की जो डिस्टेंस है वहां से शूट करते हैं. ठीक है. लेकिन भारत के लिए पहला गोल्ड टीम में इंडिया की हॉकी टीम ने पाया था और सबसे ज़्यादा गोल्ड मतलब 8 गोल्ड भारत की हॉकी टीम ने भारत को दिला रखे हैं. ठीक है. चलिए यहाँ पर दोबारा टेबल देख लीजिए. जो फील्ड हॉकी टीम है 8 गोल्ड जीती है, शूटिंग में 1 गोल्ड मिला है जो कि इंडिविजुअली एक ही गोल्ड है अभी तक भारत के पास जो कि अभिनव बिंद्रा ने भारत को दिलवाया. चलिए अगला क्वेश्चन है. हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया इन ओलंपिक 2016?
आंसर हो जाएगा। दो ओलंपिक मेडल जीती थी भारत की टीम 2016 में, मतलब भारत की टीम को ना दो प्लेयर इंडिविजुअल जीते थे, और दो मेडल कौन कौन से थे, एक तो साक्षी मलिक जीती थी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, वो पहला मेडल था, और दूसरा मेडल था पीवी सिंधु का जो कि सटल खेलती हैं और वो जीती थी सिल्वर, और वो पहली फीमेल बन चुकी थी जो कि सिल्वर मेडल पाई थी पूरे ओलंपिक में इंडिविजुअली, इंडिविजुअली की बात हो रही है ध्यान रखिएगा, और इस साल भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इसकी बात मैं आगे करूंगा। इंडिया के लिए बात कर ले, दो मेडल मिला था रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक जो 2016 में हुआ था, और ब्राज़ील का एक शहर है ये। पहला मेडल जो मिला था वो रेसलर साक्षी मलिक को मिला था जो कि ब्रॉन्ज है, और वो पहली रेसलर बनी थी जिनको कोई मेडल मिला है, और पीवी सिंधु को सिल्वर मिला था, वो पहली फीमेल बनी थी सटलर जिनको कि कोई भी सिल्वर मेडल मिला है इंडिविजुअल। दीपा कर्माकर भी एक फीमेल थी जो कि चौथे नंबर पर रही थी, इनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिमनास्ट थी ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक 2020। देखिए जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 वाला, उसका मोटो क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो आंसर हो जाएगा डिस्कवर टुमारो, ये इसका मोटो है इस बार का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द मस्केट फॉर ओलंपिक 2020 ओलंपिक, आंसर हो जाएगा मस्केट है मिराई तोवा मस्कट रखा गया है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो 2020 का ओलंपिक हो रहा है उसका मिराई तोवा मस्कट है, लेकिन यहाँ पर बात कर ले पैरा ओलंपिक की, अगर आपसे पूछ लिया जाए वहाँ का मस्कट है सोमाइटी, आपको ये बात भी याद रखनी है, और नीचे मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एथलीट इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम, आंसर हो जाएगा माइकल फेलिप्स। आपने ये दूसरी तीसरी कक्षा में भी पढ़ लिया होगा, दूसरी तीसरी क्लास में भी पढ़ लिया होगा, माइकल फेलिप्स जो कि मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपिक प्लेयर है, मतलब बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते हैं टीम में और इंडिविजुअली भी। यहाँ पर बात कर ले, इन्होंने 28 मेडल इंडिविजुअली और टीम में रहकर जीते हैं, कौन है, माइकल फेलिप्स, अमेरिका के स्विमर हैं, मतलब तैराक हैं। इन्होंने 23 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं, और इंडिविजुअली की बात कर ले तो 16 मेडल इन्होंने अकेले दम पर जीते हैं, उसमें से 13 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट पहली बार किया था। तो देखो जो वो कौन थे, वो ब्रिटेन के जो प्लेयर थे ना, इंडियन ब्रिटेन प्लेयर, उनकी वजह से माना जाता है कि 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो नॉर्मल पिक्चर थे वो ब्रिटेन के माने जाते हैं। अगर मान लो 1900 आपके आंसर में क्वेश्चन में नहीं है तो आपको 1920 लगाना है, क्योंकि 1920 में प्रॉपर इंडिया ने अपनी टीम भेजी थी समर ओलंपिक में, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। और ये 1900 में तो ये बस ऑटोमेटिक पहुंच गए थे, किसी ने भेजा भेजा नहीं था इनको, ये खुद ही घूम रहे थे और वहाँ पहुँच गए, तो बात लेकिन इंडिया के थे, तो इसलिए क्वेश्चन कभी 1900 दे देता है, कभी ऑप्शन में आपके 1900 नहीं होगा तो आप 1920 को सही करेंगे, क्योंकि उस साल भारत ने अपनी प्रॉपर टीम भेजी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस होने के बाद जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भारत के लिए इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल कौन पाया था। देखो जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद हॉकी टीम तो पा गई थी, हॉकी टीम को आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझेंगे, 1948 में हॉकी टीम अपना गोल्ड मेडल पा गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिविजुअली पाए थे हम 1952 में केडी जादव जो कि इंडिविजुअली ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, जो कि एक पहलवान थे, और उसके बाद इनके घुटने में चोट लग गई तो फिर ये पार्टिसिपेट नहीं किए। केडी जादव की बात करें तो ये आंसर है, लेकिन अगर आपको केडी जादव, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता कि भारत के लिए पहला मेडल कौन जीते हैं, और केडी जादव ऑप्शन में नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल पिक्चर आपको लगाना है जो कि 1900 में 2 सिल्वर मेडल जीत के आए थे, एक 200 मीटर की रेस थी और एक 200 मीटर की हर्डल रेस थी, रुकावट पैदा करने वाली रेस। यहां पर मैंने कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर मैं कराता तो 25-30 हो जाते, फिर आपको और ज्यादा टाइम लगता, लेकिन सिंगल लाइन में आपको समझाता हुआ चलता हूं। चलिए बात करूं लिएंडर पेस, जो कि ब्रॉन्ज मेडल पाए हैं, और ये सिर्फ इकलौते मतलब ऐसे प्लेयर हैं जो कि टेनिस में सिंगल मैन सिंगल में कोई भी मेडल पाए हुए हैं, तो मतलब ब्रॉन्ज इनको मिला हुआ है, ठीक है। और 1996 में इनको मिला था, अटलांटा ओलंपिक में इनको ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद 2000 में पहली वुमेन बनी, जो कि कर्णम मलेश्वरी थी, जिनको ब्रॉन्ज मिला। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है, 69 किलोग्राम कैटेगरी में ये वेट लिफ्टिंग किया करती थी। चलिए अगले 2004 की बात करें, तो 2004 में एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर को, जो इंडिविजुअल सिल्वर पाने वाले पहले प्लेयर बन गए, मतलब ये शूटिंग किया करते थे, तो इनको इनको ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि अभी पिछली वाली जो मोदी जी की वो थी मंत्रिमंडल, उसमें ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार भी ये लोकसभा के चुने हुए सांसद हैं। यहाँ पर बात करें 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत को 3 मेडल मिले, और पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा को यहीं पर मिला था। 10 मीटर की राइफल चलाते हैं ये, और भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आ गए थे, और ये अभी भी रिकॉर्ड है। यहाँ पर बात करें सुशील कुमार, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली कत्ल के नाम पर, कत्ल का इंजाम इनके ऊपर लगा हुआ है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इंजाम लग गया है। तो सुशील कुमार है, जो कि भारत के लिए इंडिविजुअल मल्टीपल मतलब मल्टीपल इंडिविजुअल मेडल जीत चुके हैं, और ये 66 किलोग्राम की रेसलिंग करा 66 किलोग्राम की कैटेगरी में रेसलिंग करते थे। क्या क्या जीते हैं, तो ये जीते हैं 2008 में जीते थे, जो बीजिंग ओलंपिक था वहाँ पर ये जीते थे ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में, और उसके बाद हुआ था शायद बीजिंग ओलंपिक, वहाँ पर ये जीते थे सिल्वर मेडल, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल मेडल इनके पास है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ मैंने छोड़ दिया है, तो आप यकीन मानिए मैंने सिर्फ अभी टोक्यो ओलंपिक वाला सब कुछ छोड़ा है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में लेकर आऊँगा, लेकिन अभी आपको पेपर आपके पेपर देखते हुए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, कुछ छूट गया हो तो माफ़ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।